यहाँ आपको हम खबर से आगाह करेंगे। खबर है इस्लामाबाद से, जहाँ एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चार्जशीट के नुकात पढ़ना शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ के नुमाइंदे जाफर खान कमरा अदालत में मौजूद हैं और इल्जाम की फर्द जुर्म पढ़कर सुनाने के बाद जाफर खान दस्तखत करेंगे। नवाज शरीफ पर फ्लैगशिप रेफरेंस में फर्द जुर्म आज आयद करने के लिए एहतसाब अदालत में समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। जज मोहम्मद बशीर चार्जशीट के रुकात उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिए हैं और फर्द जुर्म सुनाने के बाद जाफर खान से दस्तखत लिए जाएंगे। नवाज शरीफ पर फ्लैगशिप रेफरेंस में फर्द जुर्म आज आयद करने के लिए एहतसाब अदालत में इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चार्जशीट के नुकात पढ़ना शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ के नुमाइंदे जाफर खान कमरा अदालत में मौजूद हैं और इल्जामात की फर्द जुर्म पढ़कर सुनाने के बाद जाफर खान के दस्तखत लिए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर ने चार्जशीट के नुकात पढ़ना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त समाअत का आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ पर फ्लैगशिप रेफरेंस में फर्द जुर्म आज आयद करने के लिए एहतसाब अदालत में समाअत का आगाज़ हो चुका है और इससे पहले अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आए, जबकि मुलजिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत और नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चार्जशीट के नुकात पढ़ना शुरू कर दिए हैं।